हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेटेस्ट वीडियो ऑन क्लास 12th यूपी बोर्ड लेसन टू अ फेलो ट्रेवलर रिटन बाय एजी गार्डनर। स्टूडेंट्स, आज इस लेसन की हम समरी की स्टडी करेंगे और जो इस लेसन में मेन इवेंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको जानेंगे कि आखिर एजीरी गार्डनर द्वारा लिखित फेलो ट्रेवलर का मेन थीम क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन। जैसा कि स्टूडेंट्स आप बोर्ड पे देख रहे हैं, व्हाइल ट्रेवलिंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, द ऑथर एजी गार्डनर वांटेड टू एंजॉय द Liberty of being alone in the compartment। एजरी गार्डनर जो ऑथर हैं इस लेसन के, वे एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे जो कि लंदन से मिडलैंड टाउन तक जाती थी। इसका मेन जो एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो ये है कि एजी गार्डनर इस समय अपने कंपार्टमेंट में अलोन है, बिल्कुल अकेले हैं। नोबडी इज इन हिज कैरिज। एट द सेम टाइम अ मॉस्किटो एंटर्ड देयर एंड स्टार्टेड डिस्टर्बिंग हिम। उसी समय एक मच्छर की उनके कंपार्टमेंट में एंट्री होती है और नो सूनर हैड द मॉस्किटो एंटर्ड हिज कंपार्टमेंट देन इट स्टार्टेड डिस्टर्बिंग द ऑथर। जैसे ही मॉस्किटो की उनके कंपार्टमेंट में एंट्री होती है, वे एजी गार्डनर को परेशान करने लगता है। नेक्स्ट इसका पैराग्राफ आता है स्टूडेंट्स, टेकिंग अ राउंड ऑफ द कंपार्टमेंट इट केम एंड सेट ऑन द नोज ऑफ द ऑथर। मच्छर कंपार्टमेंट का पूरा राउंड लेता है और घूमते हुए वह ऑथर की नाक के ऊपर आकर बैठ जाता है। No matter, he flicked it off, but it came again and sat on his neck. A.G. Gardner doesn't take it seriously and he flicks it off. जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मच्छर आता है तो अक्सर हम उसे ऐसे ही हाथ से इधर उधर कर देते हैं, मच्छर चला जाता है। एजी गार्डनर डिड द सेम थिंग, वे मच्छर उड़ा देते हैं, मच्छर इधर उधर दोबारा घूमता है और अब की बार आकर के वह उनकी गर्दन पर बैठ जाता है, नेक। इट डिडंट एंड हियर, यहां तो भी बात समाप्त नहीं होती। It moved to and fro, sitting on the back of his hand or on the newspaper. मच्छर दोबारा उड़ता है, इधर उधर घूमता है और आकर के अब की बार ऑथर के हाथ के पीछे वाले भाग पर बैठ जाता है। एक अन्य बार वह न्यूज़पेपर जो ऑथर पढ़ रहे होते हैं उस पर बैठ जाता है। इस प्रकार मच्छर द्वारा एजी गार्डनर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ बिगिन होता है स्टूडेंट्स, दिस टाइम द ऑथर गॉट एंग्री एंड वॉन्टेड टू किल इट बट ही फेल्ड। इस बार ऑथर नाराज हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है एजी गार्डनर को
और वे इस मच्छर को मारने के कई कोशिशें करते हैं पर उन्हें सफलता नहीं मिलती। स्टूडेंट्स हैविंग ट्राइड सेवरल ट्रिक्स टू किल इट ही चेंज हिज माइंड। बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद जब ऑथर को सफलता नहीं मिलती तो वे अपना दिमाग विचार बदल देते हैं। ही बिकेम मैग्नेनिमस टुवर्ड्स हिज फेलो ट्रेवलर। वे अपने इस फेलो ट्रेवलर सहयात्री के साथ थोड़े करुणामान हो जाते हैं। मैग्नेनिमस का स्टूडेंट्स मतलब होता है करुणा। उन्हें मच्छर पर करुणा दया आ जाती है। ही फॉरगेव इट। फॉरगेव का मतलब होता है स्टूडेंट्स माफ करना। फॉरगेव इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेव। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। अब दिस यहां पर एट दिस जंक्चर द फिलोसफी ऑफ एजी गार्डनर हैज बीन डिस्क्राइब्ड। यहां पर ही बिकेम अ बिट फिलोसफिकल इन हिज अप्रोच इन हिज थिंकिंग। वो थोड़े से दार्शनिक अंदाज में जीवन के विषय में विचार करने लगते हैं। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। कहते हैं यही जीवन का रहस्य है। वी टेक बर्थ बट वी डोंट नो वेयर वी हैव कम फ्रॉम। जीवन का एक रहस्य है कि हम जन्म लेते हैं पर कहां से हम आए हैं ये हमें जानकारी नहीं होती। वी प्ले अवर रोल्स इन दिस लाइफ एंड देन डाई। हम सभी यहां पर जन्म लेते हैं इस धरती पर अपना अपना रोल भाग अदा करते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। ये वो समरी है स्टूडेंट्स। इस समरी को समझने के बाद जब मैं आपको इस लेसन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस शॉर्ट क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको कराऊंगा तो यू विल हैव नो डिफिकल्टी इन मेकिंग आउट सच क्वेश्चंस। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। एंड वन रिक्वेस्ट आई एम मेकिंग टुडे स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर वॉचिंग माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब इट। आई वुड बी वेरी प्लीज्ड इफ यू लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। विल मीट विद मोर एक्साइटिंग वीडियोज रिगार्डिंग इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू स्टूडेंट्स।